हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है गुइया को फ्राई करने की रेसिपी, और देंगे इसके सारे ही टिप्स वीडियो के एंड में। ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ही कम मसालों के साथ बनाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। 5 से 6 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो जाती है, तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने गुइया को लेके काट के रख लिया है और ऑयल को गर्म करने रख दिया है। ऑयल अब गर्म हो चुका है, इस तरह से कटी हुई गुइया को ऑयल में डाल देंगे और फ्राई करेंगे। याद रखें कि ऑयल में डालने से पहले गुइया को बहुत अच्छे से ड्राई कर लें, जिससे छींटे उड़कर ऊपर ना आए। गैस को हम मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे करने से ये कच्ची भी रहेगी और जल जाएगी। लो करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा सूख जाएगी, अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी, तो मीडियम फ्लेम रखें। और अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया है और ये गल भी चुकी है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। गैस को ऑफ कर दिया है, बस जब ऐसा कलर आ जाए जब भी आप इसको निकाल लें। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें से डालेंगे सबसे पहले हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और डाल देंगे यहाँ पर ड्राई मैंगो पाउडर यानी अमचूर पाउडर, ये है रोस्टेड जीरा पाउडर, जीरे को रोस्ट करके ही पाउडर बनाएं ये ध्यान रखें, और ये हैं चिली फ्लेक्स, और ये थोड़ी सी हींग डालना है। साथ ही डाल देंगे हरी मिर्चें कटी हुई, और डाल देंगे यहाँ पर पुदीने का पुदीना कटा हुआ। यहाँ पर आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, तो मौसम के अकॉर्डिंग आप हरा धनिया, पुदीना या दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और अब अच्छे से इन मसालों को हम मिक्स करेंगे, और आप देख सकते हैं गुइया पूरी तरह से गल चुकी है, और अब ये टेस्टी सी डिश हमारी बनके तैयार है। और बहुत अच्छी बात है कि गुइया बहुत ज़्यादा ऑयल सोखती नहीं है, ये ड्राई सी ही रहती है, तो इस तरह से आप इसको बनाएं और ज़रूर ट्राई। तो चलिए अब हम इसके टिप्स भी देख लेते हैं कि इसके टिप्स क्या हैं। और टिप्स हैं, गुइया में जो भी पानी है उसको अच्छे से ड्राई कर लें, किसी स्ट्रेनर में रख के या फिर किसी टॉवल या फिर किचन नैपकिन पर रखकर उसको अच्छे से ड्राई कर लें, जिससे कि आप जब उसको फ्राई करने के लिए ऑयल में डालें तो उसकी छींटे उड़कर ऊपर ना आए और चारों तरफ फैले नहीं, तो इस बात का ख्याल रखें। गुइया को आप साबित भी फ्राई कर सकते हैं, छोटे साइज की गुइया है तो आप उसको साबित भी फ्राई कर सकते हैं, वो आलू की तरह अच्छे से गल जाएगी, जैसे आलू फ्राई किए जाते हैं। आप अमचूर पाउडर की जगह नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो थे सारे ही टिप्स आज के साथ ही। फ्रेंड्स, आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। आगे भी हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आते रहेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।